हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग सेले 44 और मैं हूं आपके साथ नामिका कौशिक। करण जौहर का चर्चित रियलिटी शो कॉफी विद करण इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। वहीं इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड के दो हैंडसम हंक एक्टर आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर नजर आए थे। इस दौरान करण जौहर ने आदित्य से आशिकी 3 को लेकर एक सवाल किया था। करण जौहर कहते हैं कि आपकी और श्रद्धा कपूर की फिल्म आशिकी 2 की सफलता के बाद अब मेकर्स आशिकी 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया है, ऐसे में आपको कैसा लग रहा है जब कोई और एक्टर आपकी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा रहा है? तो इस पर आदित्य रॉय कपूर कहते हैं कि इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन बिल्कुल परफेक्ट है। आशिकी 2 में मेरा किरदार मर जाता है, ऐसे में फिल्म में मेरे होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मर जाता हूँ, फिर मैं वापस कैसे आ सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा वापस आ सकती है। खैर, इन सब के अलावा आपको बता दें कि आशिकी 3 को भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे और अनुराग बसु इन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर आशिकी 3 का मोशन पोस्टर भी शेयर किया था और साथ ही लिखा था कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम आशिकी 3, ये दिल दहला देने आ रही है। और इनके इस पोस्ट को देख फैंस के भी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है और फैंस इस फिल्म का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वेल, अब फैंस का इंतज़ार है इस फिल्म को लेकर। तो क्या आपने कार्तिक आर्यन की अब तक कौन सी फिल्म देखी है और उन फिल्म में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, जाने से पहले मुझे कॉमेंट में बताइएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेले 44।